5 4 3 2 1 स्टार्ट। शिक्षा के माध्यम के संबंध में इस सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा कई माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। जितनी विचारधाराएं शिक्षा के माध्यम के संबंध में हैं, चाहे वे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे श्रम हो और चाहे भाषा हो, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। इन सब माध्यमों में भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाकर चलें, जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल किताबी शिक्षा ही हम अपने बच्चों को दे पाए और केवल किताबी शिक्षा से ना उनके व्यक्तित्व का ही संपूर्ण विकास हो पाता है और ना हम अपनी शिक्षा को ही अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाषा के अलावा अन्य जितने माध्यम शिक्षा के हैं, उन सब माध्यमों को हमारी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री और हमारे कमीशन में भी जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी भी यही राय थी कि शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह मातृभाषा ही हो सकती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अगर अन्य किसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वह अच्छी शिक्षा नहीं कही जा सकती। उसमें बच्चों की शक्ति की बहुत हानि होती है। जो शिक्षा हम मातृभाषा के माध्यम से 5 साल में दे सकते हैं, वह दूसरी भाषा के माध्यम से हम 15 साल में भी नहीं दे सकते। यदि वह बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक समय भी देना पड़ेगा। जबकि मातृभाषा के माध्यम से वह बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, वह देश की शिक्षा के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का कभी भी विकास नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों बच्चों को देश के कोने कोने में शिक्षा दी जाए, तो केवल
मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। हमारे दक्षिण के कुछ भाई हिंदी से नाराज हैं क्योंकि अंग्रेजी से उनका मोह हमारी समझ में नहीं आता।